इवनिंग गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं सब? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मैम। आप बताओ कैसे हो आप? इवनिंग, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सुनिधि मैम, कैसे हो? बढ़िया हूँ, आप कैसे हो अनुपमा? गुड इवनिंग मैम, मैं भी ठीक हूँ। ओके, हेलो वर्षितिका, गुड इवनिंग। हाँ जी, क्या बोला राधा आपने? आपकी आवाज नहीं आ रही, क्या आप गुड इवनिंग बोल रहे हैं? तो गुड इवनिंग बच्चे। ओके, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग तान्या, तुम लोगों ने ग्रुप में मैसेज पढ़ा? यो यो मैम, तभी आयो, तुम दौड़ते हो है ना? यो यो मैम, देखा, यो यो मैम। ऐसे सरप्राइज देने चाहिए ना तुम्हें कभी कभी। यो यो मैम, यो यो मैम। ऑल राइट बच्चों, तो लेट्स स्टार्ट। यो यो मैम, यो यो मैम, मैम की वीडियो आ रही है सबको? यो यो मैम, यो यो मैम। ओके, यस मैम। ओके बच्चों, ओके चलो। हेलो सेल्विया, गुड इवनिंग। साक्षी गुड इवनिंग, ईशा गुड इवनिंग, पुलक गुड इवनिंग, प्राची गुड इवनिंग, दीक्षा गुड इवनिंग, खुशी गुड इवनिंग, तान्या गुड इवनिंग, रितिका गुड इवनिंग, गुरमेल गुड इवनिंग, ज्योतिका गुड इवनिंग, शालू गुड इवनिंग। फेयरवेल हो गई सबकी? अच्छा, क्यों भाई, तुम तो अभी 12th में जाने वाले हो, कहाँ से हो जाएगी तुम्हारी फेयरवेल? तुमने देनी होती है ना फेयरवेल? यो यो मैम, हाँ जी बिल्कुल। All right, so next we have, sorry for that, Meenakshi, hello, good evening, Khushbu, good evening, Riya, good evening, Jyotsna, good evening, okay, all right. हाँ, तो मैं बोल रही थी कि क्या बोलते हैं, क्या बोल रही थी मैम? कैसे हो ना तुम लोग? तुम लोग 11th वाले तो 12th को देते हैं, ये तो मुझे याद है। यो यो मैम, यो यो मैम, या 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 चलो यार, इतना टाइम ना लगाया करो। एनीवे, जो अब जिसका मिस होगा उसका नुकसान है। लेट्स स्टार्ट। तो मैम, आज जो आपको करवाने वाले बच्चे, वो है आपका, क्या रहेगा आज का बताओ? एग्जाम कैसे लिखना है, बिल्कुल, एग्जाम में आपको प्रिपेयर कैसे करना है, तो आज हम उससे स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप मुझे बताओ, आपको स्क्रीन दिख रही है? ना, तो मैम जो आज आपको बताएंगे यार कि आपको अपना एग्जाम जो है, जिसको आपका स्टार्ट होने वाला, कईयों का स्टार्ट हो चुका है प्रैक्टिकल, कईयों का चल रहा है, कईयों का थियरी तो नहीं अभी किसी के, उन्होंने नेक्स्ट वीक से, है ना? लवली लिटिल स्टूडेंट, मैं हिमाचली बच्चो, ऑल द वेरी बेस्ट विद अ स्माइली, डू वेल, गॉड ब्लेस यू ऑल। लेट्स स्टार्ट विद आवर मॉडल, मॉडल पेपर लेकर आया मैम आज, ठीक है? तो काफी बच्चे थे मैम जिसने पूछा कि मैम आप हमें हेल्प कर दो, है कैसे करना है, कैसे लिखना है, तो आज सारा ज्ञान यहाँ पे मिलेगा। जिसका क्लास मिस हो जाए या फिर प्रॉब्लम है किसी को कि मतलब नेट का इशू आ रहा है, तो रिकॉर्डिंग चेक कर लेना, ठीक है? जब भी नेट बढ़िया से चले, ठीक है? मॉडल पेपर का मे बी आप में से काफी ने मॉडल पेपर देखा भी होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं देखा होगा। अगर आपने अपड़ाकू बच्चे हो, तो अगर आप एवरेज बच्चे हो या मतलब पढ़ना नहीं चाहते हो, मॉडल पेपर आज मैम आपको दिखाते हैं, ठीक है? ठीक है, चीज मैम आपको समझाने वाले हैं। तो तुम्हारा जो पेपर है 60 मार्क्स का ही है ना? मैम 61 मार्क्स का पेपर है हमारा, या 59 मार्क्स? नो मैम, तुम्हारा प्यारा सा 3 घंटे है ना, तुम बढ़िया से, मैं पहले ही बता दूं, बढ़िया खाना खाना, ठीक है? छोले भटूरे, कुलचे चावल, नहीं चावल, कुलचे क्या कहते हैं, कुलचे चने, ये सब खा के मत जाना, ठीक है? मतलब हाँ वही,
जिससे तुम्हारा पेट खराब हो और तुम पेपर लिखने की जगह 3 घंटे बाथरूम में बैठो, है ना? तो इससे अच्छा है कि तुम बढ़िया घर का खाना खा के जाना, ठीक है? और जैसे तुम्हारे पेपर हो तो मस्त सोना भी, पेपर शुरू होते टाइम नहीं, पेपर शुरू होने से पहले, वो जो प्यारी रातें होती है ना 12 से 6 सो जाओ, या एक एक घंटे 1-2 घंटा दोपहर को सो जाओ, सोकर अच्छे से 7 to 8 hours, ठीक है? अच्छे से सोकर, अच्छे से खाना खाकर फिर ही जाना पेपर देने, वरना बैठे रहना या सुस्ती बहुत आएगी और फिर आप पेपर भी नहीं दे पाओगे ना। आपके वो जो होते हैं ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर 3rd को फर्स्ट पेपर है, उसके बाद 3-4 दिन की छुट्टी रहती है ना, यस मैम। बाद वो जो एक, जैसे सोचो आपका 7th को एग्जाम है, फॉर एग्जाम्पल दे रहे हैं मैम, 7th को जैसे एग्जाम है, तो ये 3 जो दिन बीच में बचे उसमें तुम मस्त होली तो मनाओगे मनाओगे, ऐसा तो है नहीं तुम होली नहीं मनाने वाले, है ना? यस मैम मतलब वो होली मस्त मना लेना, मतलब 8 को है वैसे तो, होली मस्त मना लेना, बट पढ़ना मत भूल जाना, ठीक है? क्योंकि एंड घर वालों ने ये थोड़ी पूछना, बेटा तू तो होली, तेरे मक मार्क्स कम कैसे आए? फिर दे दनादन बरसात होगी, डंडोगी, है ना? फिर तुम्हें यस याद है ना, मैम भी आने वाली तुम्हारे घर, मैम। सच में आ जाऊंगी, तुम्हारे मार्क्स कम नहीं होने चाहिए। कितने में से 60 में से कितने आने चाहिए थे? तुम लोगों ने मुझे 70 बोला था ना, नहीं 100 की बात हो रही थी हमारी, आउट ऑफ 100 प्रैक्टिकल से मिला के 85, सॉरी 85, 85 नॉट 100, 85, है ना? लेकिन तो मान लेते प्रैक्टिकल में ऊपर नीचे हो सकता है, बट वैसे भी बच्चे स्कोर कर लेते हैं प्रैक्टिकल में। 60 में से मुझे खुद बता दो तुम कितने मार्क्स लेकर आओगे, 55, 56, 57। देख लो, अगर तुम्हारे 55 ना आए, तुम्हारे 54.5 आ गए ना, अगर मैं पहुंच जाऊंगी तुम्हारे घर, ठीक है? सबके लिए, सबके लिए, कोई है ऐसा नहीं, मैं मेरे तो 50 से कम आएंगे, कोई ऐसा बच्चा है? कोई नहीं, एक भी नहीं, देख लो, बड़े स्टेप्स ले रहे हो ना तुम अभी, और तुम्हारे मार्क्स कम आए। फिर इस पेपर में जैसे ये पेपर है, ये मॉडल का मतलब होता है ऐसा पेपर आएगा, ठीक है? तो मैम आपको उसके रिलेटेड सारा एक चीज समझाएंगे। सो बच्चे लेट्स मेक यू मेक मी अंडरस्टैंड। देखो अभी मैं आपको समझा दूंगी, आपका वहां टाइम सेव हो जाएगा, होगा या नहीं होगा? मैम सुन लेना कि आज ये इंस्ट्रक्शंस जो है वहां पे, उस टाइम जस्ट आपको सिंपल रीड करके छोड़ना है, आपको टाइम, आपका टाइम बच जाएगा, ठीक है? ऑब्वियसली इस 2 मिनट जो आप यहाँ पे लगा रहे हो, आप 2 मिनट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, राइट? मैम नाउ ABCD 4 सेक्शंस होते हैं यार हमारे। फर्स्ट सेक्शन जो रहता है उसमें चॉइसेस रहती हैं, क्या रहता है उसमें? चॉइसेस। ए में है, BCD में चॉइसेस नहीं होती हैं, मतलब चॉइसेस है लॉन्ग आंसर्स में, और करके ऐसे वो डाल देते हैं, वो वाला चॉइस है ना? बट ये वाला आपके 4 ऑप्शन वाले चॉइस है, होते है नहीं होते? मैम तो द स्टूडेंट हैज टू अटेम्प्ट ओनली वन ऑफ द ऑल्टरनेटिव्स। तो मतलब कि जैसे बोल, बताने की जरूरत है मुझे ये वाले क्वेश्चन का मतलब? मैम तो फिर बता देती हूँ मैं, कुछ बच्चे हमारे शर्मीले बच्चे, क्या पता उनको ना बताओ। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया होगा, सॉल्व करेंगे अभी, एक क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, सो दैट आपको आइडिया लगे कि लिखना कैसे है, ठीक है? ऑब्वियसली बात है यार, 1 घंटे की क्लास हमारी, सारे क्वेश्चन तो हम नहीं सॉल्व कर सकते, बट मैम आपको ये हेल्प कर देंगे कि करना कैसे, ट्रिक्स आपको मैंने MCQ सॉल्व करने के लिए बता दी, क्योंकि हम ऑब्वियसली नीट का प्रिपेयर कर ही रहे हैं ऑलरेडी, है ना? आपने एवरी संडे आप टेस्ट जो देते हो, इट्स लाइक दैट ओनली, MCQ टाइप क्वेश्चंस, आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है? सो क्वेश्चन इज गिवन, 1, 2, 3, 4, 4 ऑप्शंस दिए होते हैं, उसमें से कोई एक करेक्ट होता है, उसको आपको टिक करना होता है, जो कि हम करेंगे सॉल्व, ठीक है? तो इसमें आपको देंगे 12 MCQ क्वेश्चन, जो कि होगा 1 मार्क ईच, ठीक है? सो वी हैव 12 क्वेश्चन, देखो 12 तुम्हारे हाथ में है, पता है तुमको? मैम या तो फुल या तो जीरो, ये हाल है ना? इसमें आधा भी नहीं मिलता तुमको। हाँ वो बात अलग है, तुम चीटिंग भी कर लोगे, चलो चीटिंग के ट्रिक्स भी मैं बता दूंगी। नहीं, इतनी अच्छी नहीं हूँ मैं, नहीं बता रही हूँ कुछ भी ऐसा, ठीक है? रिकॉर्डिंग बंद करना पड़ेगा मुझे, ठीक है? तो चीटिंग करोगे तो देख के करना, ठीक है? पर मैं रिकमेंड नहीं करूंगी कि तुम चीटिंग करो, फिर तो तुम्हारे 12 नंबर है, ठीक है ना? नहीं ये चलो मैम मैम, आप ठीक है, करते
चलो अच्छी बात है यार, नहीं करते तुम, करते नहीं हो पर करवाते जरूर होंगे यार। चल मेरा दोस्त फेल ना हो जाए तो मैं करा देती हूँ। यो मैम करवानी चाहिए दोस्तों को या नहीं? करवानी चाहिए या नहीं चाहिए? ये रिकॉर्डिंग में ऐसी बात यो नहीं कर सकते तुम। मैम चलो वो बाद में करेंगे ये बातें। चलो आ जाओ सेक्शन बी में आ जाओ। ठीक है 10 क्वेश्चन हो गए बच्चे, 2 मार्क्स ईच। ठीक है 10 क्वेश्चन 2 मार्क ईच। तो मैंने पहले भी बताया था कि 2 मार्क्स के आपने लिखने कैसे, आज मैम फिर बताएंगे, टेंशन ना लो। ठीक है सेक्शन सी अगेन, यू हैव ओनली 4 क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस हैं, और क्या करना है आपको, मतलब 2 4 क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स। ओके एंड नेक्स्ट 4 जो अपना सेक्शन डी है, जो काफी लॉन्ग आंसर्स होते हैं, दैट इज ऑफ 4 मार्क्स। ठीक है और इन्होंने देखो कितना प्यार से लिखा है बेटा, ड्रॉ नीट लेबल्ड डायग्राम वेरी वेरी रिक्वायर्ड। समझ में आई? यो मैम देखो इन्होंने खुद ही बोल दिया वेर एवर रिक्वायर्ड है ना, तो मैं तुम्हें पहले ही बता दूं वेर एवर रिक्वायर्ड का मतलब ये होता है कि वो क्वेश्चन हमारे 4 टाइप के होते हैं। जैसे बोलेंगे अगर फॉर एग्जाम्पल ड्रॉ द नीट एंड लेबल्ड डायग्राम ऑफ ऑफ क्या लें, चलो हार्ट ले लेते हैं। ठीक है फॉर एग्जाम्पल मैम एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक ये क्वेश्चन हो गया, सेकंड क्वेश्चन ये एक तरीका है बच्चे पूछने का। तो सिंपल आपको डायग्राम बनाना है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है कि उसका डायग्राम कितना मुश्किल है ना। यो क्या यो मैम, आपको मैम आसान सिखा दिया मैंने यो मैम के बच्चों, अब तो तुम्हें इजी नहीं लगता। ठीक यो है तो अब हार्ट का डायग्राम अच्छे बना के आना यार, एकदम सुंदर पेंसिल। हाँ मैं ये बता दूं, और मैंने वहां पे भी लिखा है तुम्हें चार्ट में है ना, पेंसिल एकदम शार्प होनी चाहिए, क्लच पेंसिल, फिर वो एक छोटी छोटी पेन वो होती है ना, छोटी छोटी ऐसी, उसको पीछे से डालते हैं ऐसा वाला कुछ, रेड वो पेंसिल मत करना। कौन सी पेंसिल होती है वो, रेड पेंसिल्स है लेड पेंसिल्स। हाँ लेड पेंसिल्स बिल्कुल। ठीक है तो वो पेंसिल मैं बता दूं यार, एक नटराज की आती है वो ले लो, वैसे ही सबसे अच्छी नटराज की होती है, और फिर एक अप्सरा आती है। अप्सरा अप्सरा क्या तुमने सुना है ऐसा कुछ, सुना है? ठीक है अप्सरा को रहने देना, नटराज को खरीद लेना। ठीक है नटराज ज्यादा अच्छा पेंसिल है, और कृपया करके एक रबर ले लिया जिसको हम इरेजर कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है और एक शॉर्पन ले लेना, शार्पनर कहते हैं जिसको इंग्लिश में। ठीक है तो ये बेटा 3 जरूरतमंद चीजें जरूरी हैं, इसके बिना डायग्राम सुंदर नहीं बनेगी। जैसे तुम मैम की देखते हो यहाँ पे सुंदर डायग्राम, वो सिर्फ ये पेन है और कुछ कलर्स हैं। ठीक है बट जब तुम डायग्राम देखोगे अपने नोटबुक में, तुम्हें पेंसिल ही यूज करना है, वहां पे पेन पुन नहीं चलाना। ओके स्कूल नो में बताया तुमको या नहीं, वो कहते हैं रंग बिरंगा बना दो डायग्राम से बोलते हैं, तो मैम मैम मना करते हैं ना। हाँ पेंसिल अच्छा, अब अगर वो शार्प नहीं होगी तुम्हारा डायग्राम भी गया और तुम्हारा जो लेबल पार्ट है वो भी चला जाएगा। तो मैंने तुम्हें पहले भी क्या बोला था, अगर तुम्हारे डायग्राम्स अच्छे नहीं हुए स्पेशली ऐसे वाले क्वेश्चन में, अगर ये 5 मार्क का हुआ, तुम्हारा पूरा डायग्राम नीट है अच्छे से लेबल किया है, बट डायग्राम जो है ये थोड़ा मतलब इतना मोटा मोटा सा, मतलब जैसे बनना चाहिए वैसा नहीं बना, तो बच्चे सच्ची बता रही हूँ 0.5 या मैम का मूड अगर खराब हुआ तो मेरी स्कूल वाली टीचर का 1 मार्क कट कर देंगे वो। ठीक है समझ में आ गया? ओके करना है ये। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक तरीका हो गया पूछने का। दूसरा क्या तरीका होगा, वो पूछेंगे व्हाट इज हार्ट बीट। ठीक है एक्सप्लेन हाउ इट वर्क्स, इस क्वेश्चन का क्या मतलब हुआ। हार्ट बीट क्या है और वो काम कैसे करती है? यस तो जब ये हार्ट बीट के बारे में पूछेगा तो तुम्हें किसके बारे में बताना है, हार्ट बीट यही तो प्रॉब्लम है, कार्डियक साइकिल बच्चे, कार्डियक साइकिल। तुम्हें पता है हार्ट बीट में साउंड आते हैं दो, कौन कौन से, लब डब। कहाँ पढ़ा है तुमने लब डब, कार्डियक साइकिल में, बस वही देखा, लगा पता क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, ऐसे पूछते हैं इतने। अब तुम 11th क्लास में हो गए, अब तुम 11th क्लास हो गए, अब ये थोड़ी पूछेंगे बेटा व्हाट इज हार्ट बीट, टेल मी हाउ मच टाइम योर हार्ट बीट्स है, 7th क्लास 8th क्लास वाला क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसे पूछते नो मैम हाँ व्हाट इज हार्ट बीट एक्सप्लेन, कुछ नहीं है क्वेश्चन को घुमा देंगे, तो बस आपने थोड़ा सा 5 सेकंड सोचना है कि ये बोल क्या रहा है, और अगर आपने बोल दिया गलत तो क्या हो जाएगा, मार्क्स कट हो जाएंगे। तो स्मार्ट बनना है हमने, हार्ड वर्क आप कर रहे हो लेकिन अगर आपने स्मार्ट वर्क नहीं किया तो गए ना आपके नंबर।
समझ में आ रहे तुम्हें? सीख रहे हो तुम या नहीं सीख रहे? और इसमें पहले लिखना है तुमने हार्ट बीट. व्हाट इज हार्ट बीट? 1 मार्क का लिखोगे. फिर हाउ इट वर्क्स में लिखोगे कि इट वर्क्स इन अ साइकिल दैट इज नोन एज कार्डियक साइकिल. बढ़िया से वो मैं बताती हूँ लिखना कैसे है, ठीक है? उस पर आएंगे हम. एंड यू विल ड्रॉ अ डायग्राम. समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि नहीं है पर डायग्राम बनाना है क्योंकि ये 5 मार्क का क्वेश्चन है. अच्छा, अगर ये 3 मार्क का क्वेश्चन होता तो क्या करते आप? 3 मार्क का क्वेश्चन है तो व्हाट इज हार्ट बीट बता दिया, एक्सप्लेन हाउ इट वर्क्स, तो यानी कि आपने कार्डियक साइकिल बना दिया. और कार्डियक साइकिल में आपने, मैंने वो छोटे छोटे से हार्ट बनवाए थे ना ऐसे इधर, जॉइंट डायस्टोल. यस मैम, यस मैम. आर्टिरियोसिस्टो वेंट्रिकल सिस्टोल, है ना? फिर आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन. ये पूरा ऐसे साइकिल बनाना है बिल्कुल प्यारे से. आपका कौन सा, क्या था दिल आपका? प्यारे से दिल के साथ बनाना है आपने, ठीक है? ये समझ आ गया ना? फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन वो पूछ लेगा कि ड्रॉ द डायग्राम एंड वर्किंग ऑफ डबल सर्कुलेशन. फॉर एग्जाम्पल, एक पर्टिकुलर टॉपिक ही ले लिया तो कि ताकि आपको क्वेश्चंस के टाइप समझ आए, ठीक है? तो इसमें डायग्राम बनाओगे और इसमें आप डबल सर्कुलेशन लिखोगे. डबल सर्कुलेशन कौन सा? पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, और उसका डायग्राम भी बना के आओगे. क्यों? क्योंकि इन्होंने बोला डायग्राम बनाने के लिए. समझ में आ गई? वर्किंग ऑफ आर्ट्रिया एंड वेंट्रिकल्स इन हार्ट. और वो बोल दे, डिस्क्राइब और लिख दे यहाँ पे नो डायग्राम रिक्वायर्ड. तब आप क्या करोगे? डायग्राम बनाकर आओगे, है ना? नो मैम. हाँ, डायग्राम नहीं बनाना, बस यही है क्वेश्चन में, डायग्राम नहीं बनाना. समझ में आ गई सबको यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट है? नो मैम. नो मैम. ठीक है, अब दूसरी बात एक और बता दूं कि टाइम बहुत जरूरी है, ठीक है? 60 मार्क्स का पेपर है, यस और नो? मैम. 4 घंटे का पेपर है ना? 3 घंटे. 3 घंटे का पेपर है, तो हमारे पास क्वेश्चन कितने हैं? 30 नहीं है पक्का? मेरे को तो लगता 30 है. 26 है क्या? I don't think so, 30 है. चाहे चलो देख लेते हैं. 26 नहीं है, 30 है, ठीक है? So 30 questions में आपके पास देखो 3 घंटे हैं, उसमें से 12 question आपके MCQ होंगे. तो एक क्वेश्चन में 1 मिनट लगाना है. तो मैं तुम्हें क्यों बोलती थी एक क्वेश्चन में 1 मिनट? 12 मिनट के अंदर 12 क्वेश्चन सॉल्व करके 12 मार्क्स लाने हैं. अब वो तुम चीटिंग करके लाओ, अपना दिमाग लगा के करो, वो तुम्हारे ऊपर है. और जितनी देर में तुम चीटिंग करोगे सच्चा पढ़ के चले जाना, ठीक है? और दोस्तों को चीटिंग कराना बाद में, पहले अपना कर लेना, वरना ना ना तुम्हें इधर रहना ना तुमने उधर रहना, ठीक है? दोस्त पास हो जाए और तुम बैठे रहो, है ना? कितना दुख होगा तब? नहीं होगा तुम्हें, ठीक है? चलो, नहीं होगा? हाँ होगा, ठीक है? चलो आ जाओ. तो ये सबको समझ में आ गया? आ जाओ इधर. सेक्शन 1, तो हम कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करते. फॉर एग्जाम्पल, ये तो यार आपको पता होना चाहिए. चलो फटाफट से बताओ मुझे, विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस? जल्दी चैट पे बताओ, ए बी सी डी, जल्दी. तो देखिए जरा कितना टाइम लगता है आपको. एंड द टाइम इज स्टॉपिंग. सी सी सी. अनुराधा, डी बेटा क्यों? दीक्षा, नहीं दीक्षा ने सही बोला, ठीक है? और मैंने तुम्हें इसके लिए पूनम आपका भी गलत है. हाँ जी, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया. ओके, अब मैंने यार देखो इसके लिए मैंने ट्रिक भी सिखाया तुम्हें, याद है तुम्हें? यो यो मैम. हाँ जी मैम. कोई डाउट है आपको मैम?
अच्छा ठीक है, हाँ एक और डाउट से याद आया, अगर आपको कोई भी डाउट है ना किसी भी चीज से रिलेटेड, कोई भी डाउट है कि हाँ मैम है कुछ ऐसा ऐसा, एक साइड कॉपी में लिख लेना, लास्ट के 10 मिनट में क्वेश्चंस ही पूछूंगी मैं आपसे कि आपको क्या प्रॉब्लम्स आती है, क्या डाउट लगता है, तब अपना सोच सकते हो, ठीक है? समझ में आ गया? तो देखो तुमने ज्यादा टाइम नहीं लगाया, ये चैप्टर तो ऑब्वियसली लिविंग वर्ल्ड से है, तो सेम वे ऐसे बड़े सारे, अगर फॉर एग्जांपल चलो सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट फंजाई, फंजाई के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से फॉल्स है, यानी गलत कौन सा, ऑप्शन ए बी सी आ जाओ, अब दिख रहा है सबको स्क्रीन? नो मैम, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट फंजाई, दे आर यूकेरियोट्स, दे आर हेटरोट्रॉप्स, दे पजेस अ प्योरली सेलुलर सेल वॉल, नन ऑफ द अबव। चलो जल्दी से बताओ, चैट पे बताओ, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, फॉल्स कह रहा है यानी तीन सही है एक गलत है, बोल दो टाइम्स अप। बी सी, ए बी वाले कौन है बच्चे तुम, बी कहाँ से आ गया? कोमल, अरे कोमल क्या बात, बड़े दिनों बाद स्वागत है बेटा आपका। कोमल ने गलत बोला है, और कौन है, एक और मैंने किसी का दिखा, आकृति, बच्चे इट इज नॉट बी, बी क्यों होगा, पंजाय हर एक जो, अरे मैम मेरा फोन खराब है आजकल, अच्छा चलो कोई बात नहीं, आ जाओ जरा देखे, एक सेकेंड आ जाओ जरा देखी, स्क्रीन दिख रही है ना? नो, मैम देखो यूकेरियोट हेटरोट्रॉप्स को बोल रहा है, बट दे पजेस आर प्योरली सेलुलोज के सेल वॉल में आपको फंजाई दिखेगा, है ना, इसके लिए मैंने तुम्हारे को सेल का चैप्टर पढ़ाया, उसके नोट्स पढ़ लो, वहां पे खास विस्तार में लिखा हुआ है, तुम चेक कर सकते हो, अगर तुम्हारे पास नोट्स नहीं है कोई बात नहीं, एनसीईआरटी होगी, एनसीईआरटी में से पढ़ लेना, ठीक है? चलो, सो बट ये सारे क्वेश्चंस ऐसे आपको सॉल्व करने हैं, लेट्स गो टू, ओके लेट मी एक्सप्लेन यू विद दिस वन, आंसर द क्वेश्चन शोन बिलो, ये वाला कैसे करोगे, विच लेबल्ड पार्ट इंक्रीजेस सरफेस एरिया, सरफेस एरिया कौन बढ़ाता है, इंटरनल मेम्ब्रेन, मैट्रिक्स, क्रिस्टे या फिजन डिविजन, कौन करता है, कौन बताएगा, ए बी सी डी, चलो फिर चैट पे बता दो, सरफेस एरिया लेबल्ड पार्ट, विच लेबल्ड पार्ट इंक्रीज सरफेस एरिया, यानी मैट्रिक्स दे रखा है, क्रिस्टे दे रखा है, और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस दे रखा है, डिवीजन तो बेचारे क्या ही दिखाएंगे, चलो सी सी सी, वेरी गुड क्रिस्टे, सरफेस एरिया बढ़ाने का काम होता है इसका, बहुत क्या बात है बच्चों, तुम तो टॉप करने वाले हो, थैंक यू सो मच, चलो समझ में आ गया सभी को, ऐसा कोई क्वेश्चन है जो नहीं समझ में आया, ठीक है, सेम अगेन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, टेंथ में आ जाते, ग्राफ बनाया हुआ है, ठीक है, विच ग्राफ इज इनकरेक्ट, तुम अगर ध्यान से देखोगे ये क्वेश्चन तुम्हारे कहाँ पे है, एनसीआरटी में है, हीमोग्लोबिन वाला पढ़ाया था ना मैंने तुमको, हाँ ये तुम्हारा हीमोग्लोबिन में को पार्शियल प्रेशर समझाए थे मैंने, तो वो अच्छे से, वो टॉपिक अच्छे से पढ़ लेना, वो ग्राफ अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है, मैंने क्लास में करवाया अगर तुम्हें याद हो तो, पता नहीं तुमको याद है, याद है, इनकरेक्ट फाइंड आउट करना है इसमें से, ठीक है मैम, शेयर कर देंगे आपके साथ ही आज, इसको ट्राई करना, ठीक है, जो भी डाउट होगा पूछ लेना, ओके, चलो सेक्शन बी में आ गए हम, अब इसका ध्यान देखो ध्यान से, नहीं 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 सॉरी दिस इज नॉट सेक्शन बी, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ स्टेटमेंट, ऑब्वियसली एजर्शन मैंने तुम्हें पहले भी पढ़ाया हुआ है, इज फॉलोड बाय अ स्टेटमेंट ऑफ रीजन, ठीक है, एक स्टेटमेंट दी है जिसमें एक है एजर्शन और एक है रीजन, ठीक है, और आपने एक करेक्ट चॉइस को मार्क करना है, तो तुमको याद है ये मैंने करवाया तुम्हें हेल्प आउट इसमें, तो तुम देख रहे हो ना ये स्कूल एग्जाम में भी और आपके नीट में भी आ रहा है ना ये काम या नहीं आ रहा, लगा पता, आप जिसने क्लास मिस करी है उसका क्या हुआ, फायदा या नुकसान,
नुकसान. चलो तुम अब ध्यान से सुनो सबके सब. बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू. अगर तो ये दोनों ही assertion, ये और ये दोनों ठीक है, पर explanation भी सही है, तो मतलब ऑप्शन ए. अगर ये दोनों करेक्ट है लेकिन इन इसका रीजन इसके लिए गलत है, तो ऑप्शन बी मार्क करोगे. ए और बी सबको समझ आ गया? Yes, ma'am. थर्ड ऑप्शन समझाना. कौन सा, बी या ए, दोनों? दोनों मैम. चलो दोबारा बता देते हैं. वो बोल रहा है, ए वाला बोल रहा है, अगर assertion और reason दोनों ही करेक्ट है तो reason is the correct explanation of assertion. इसका मतलब कि assertion भी करेक्ट है, reason भी करेक्ट है, और जो reason इस वाले assertion के लिए दिया है ये भी करेक्ट है, तो ऑप्शन ए आएगा. यहाँ तक समझ आ गया? ओके. ऑप्शन बी बोल रहा है, अगर ऑप्शन ए सॉरी अगर assertion करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है लेकिन रीजन इसके लिए करेक्ट नहीं है, ट्रू नहीं है, उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आप बी मार्क करेंगे. समझ आ गया? ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, ये पूरा स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, लेकिन इस स्टेटमेंट से करेक्शन है, मतलब करेक्टेड है, आपस में एक दूसरे के वो क्या आप सच बोल रहे हैं, तो इफ इट इज अ नो देन आप ऑप्शन बी मार्क करेंगे. ठीक है, समझ आ गया सबको? ए बी ऑप्शन सी और डी. ठीक है, सी और डी में इफ assertion इज ट्रू, अगर ये ट्रू है पर रीजन गलत है, रीजन पूरा ही गलत है, ठीक है, तो ऑप्शन सी. और लास्ट वाला तो वैसे ही बहुत इजी है, वो बोल रहा है कि इफ बोथ assertion एंड रीजन आर फॉल्स, मतलब कि दोनों ही गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो ये होगा इसका आंसर. समझ में आया सॉल्व कैसे करना है? जिसको नहीं समझ में आया रिकॉर्डिंग दोबारा देख लो. जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, क्वेश्चन देखना कि नहीं हो रहा सॉल्व, तो बेटा उसका स्क्रीनशॉट ले लेना. कृपया आप मुझे तंग करें, मस्त से तंग करें, ठीक है? चलो आ जाओ आगे. ओके नेक्स्ट ऑप्शन सेक्शन बी, नॉट ऑप्शन सेक्शन बी. ठीक है, तो अब ये क्या है, आपके दो मार्क वाले क्वेश्चन है. ओके सो गिव रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर. कहाँ पे, कौन सा चैप्टर है ये? वेरी गुड. और देखो 15th क्वेश्चन, कुछ नहीं है, अगर तुमने इसमें से कोई ये गलत कर दिया. कौन सा चैप्टर है ये, चैप्टर नंबर? ठीक है, याद रखना फर्स्ट. हाँ फोर्थ. ठीक है, याद रखना ये. और आपके लिए तो और बढ़िया ये देखो, 14th क्वेश्चन कैसा टाइप का पूछ रहा है, डिफरेंस बिटवीन क्वाड्रेट्स एंड नॉन क्वाड्रेट्स. और का मतलब कई बच्चे पता क्या करते हैं, ये भी लिखाते हैं और ये भी लिखाते हैं, उनको याद, इनको पता ही नहीं, और इनको दिखता है तो उनको लगता है और मतलब एंड. बताओ, और टाइम हो गया वेस्ट, यहाँ पे 5 मिनट लगा दिए, यहाँ 5 मिनट लगा दिए, बाकी क्वेश्चन हो गया ना, टाइम वेस्ट हो गया. अब इसको लिखना कैसे, आपने आप लिखोगे कैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल डिफरेंशिएट बोल देता है, तो आप या तो एक टेबल बना लो, ठीक है, ऐसे टेबल बना के क्वाड्रेट्स, क्योंकि आपकी राइटनिंग की भी नीटनेस के मार्क्स होते हैं, पता है तुमको? ठीक है, आधा मार्क्स या एक मार्क्स जो कट जाते हैं ना, वो आपकी राइटिंग और आपके डायग्राम्स की वजह से कटते हैं, अगर वो अच्छे ना हो, बस फिर लिखना शुरू कर दो. अब ये 2 मार्क्स का है, दोनों में पॉइंट लिख दो बढ़िया से, और लास्ट में एक एग्जाम्पल देना. समझ में आया? एग्जाम्पल हर चीज में देना है तुमने, अब बिना एग्जाम्पल के दुनिया नहीं चलती. जैसे मैम हर एक चीज का एग्जाम्पल देती है ना तुमको, क्या क्या एग्जाम्पल देती है मैम आपको, बस आपने खुद सोचना कि आसपास क्या है. क्वाड्रेट जैसे कि कौन है, हम है ना. नॉन क्वाड्रेट जैसे अमीबा हो गया, हड्डियां तो है ही नहीं उसके पास, है ठीक है. हाँ वहां पे हड्डी राजा सिखाना, तुम्हें मैंने हड्डी राजा सिखाया था, याद है? ठीक है, चलो ऐसे लिखना है इसको जब भी डिफरेंशिएट पूछे. एक ये तरीका है लिखने का, दूसरा क्या तरीका, देखो इसमें आपको प्रॉपर फुल मार्क्स मिल जाएंगे, पॉइंट्स एकदम करेक्ट लिखना. ये मत कहना मैम मैंने तो उसमें 2 पॉइंट लिखे थे, उसमें भी 2 पॉइंट लिखे थे, एग्जाम्पल भी लिखे थे, मुझे तो मैम 1.5 मार्क्स मिले. बेटा अगर आपने उस टॉपिक से हट के अगर कुछ कर दिया तो आपको ऑब्वियसली मार्क्स कटेंगे. सेकेंड बात ये कि आपको बाय चांस नहीं पता कि क्वाड्रेट्स क्या है, नॉन क्वाड्रेट्स क्या है, कहीं ना कहीं तो सुना होगा, है ना, नहीं
तो सुना होगा, अब तो मैम ने बता दिया। ऐसा होता है कि आपने सुना ही नहीं, आपने शायद पढ़ा ही नहीं है या मिस हो गया है, फिर भी उसमें कुछ ना कुछ लिख के आना, क्योंकि यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, समझ में आया? मैम उसमें पर गाना मत लिख के आ जाना, ठीक है? चलो, ये एक तरीका लिखने का, और एक ये तरीका है, यहाँ पे ऐसे कोऑर्डिनेट्स लिख दो, ठीक है? और उसके बाद सेकंड नॉन कोऑर्डिनेट्स, सेम फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट एग्जांपल, नॉन कोऑर्डिनेट्स फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट एग्जांपल, ओके? हमारे मैम को अगर एक्स्ट्रा पॉइंट आते तो हम लिख लो, पर टाइम मत वेस्ट करना। एक और पॉइंट लिख लेना चाहे, 3 पॉइंट लिखे एग्जाम्पल, बट टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि हमारा पूरा पेपर पड़ा है। अभी हम सिर्फ 14th क्वेश्चन में पहुंचे हैं, हमने वहां आगे पहुंचना है, डी तक पहुंचना है हमने। ठीक है, समझ में आ गया? मैम अब मैं आज तो फॉलोइंग में हेल्प कर देती हूँ। कैसे? अब ऐसा तो होगा नहीं कि सारे टॉपिक आते हैं, भूल जाते हैं कभी कभार बच्चे। आप पढ़ के तुम सब जाते हो लेकिन भूल जाते हो, ऑब्वियसली यार, इतने सारे चैप्टर से कहाँ से याद रहेंगे? 3 दिन है हमारे पास, है ना? फॉर एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं, 3 दिन है, 3 दिन में सब तो नहीं पढ़ पाएंगे। हम क्या करते हैं, फटाफट से इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पढ़ लेते हैं। कुछ छोटी मोटी चीजें रह जाती हैं। कैसी छोटी मोटी चीजें रहती हैं? एनसीईआरटी की बुक खोलोगे तो वहां पे कोने कोने में छोटे छोटे डब्बे होते हैं, पता है? देखा तुमने छोटे छोटे डब्बे? मैम ऐसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, पढ़ के जाना। वो पढ़ा नहीं है तो शुरू हो जाओ आज से ही। सेम केमिस्ट्री फिजिक्स में भी, ठीक है? अब कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मैथ्स भी ले रखा है, तो बेटा जो भी आप पढ़ रहे हो एनसीईआरटी मतलब रट जाओ, रटना नहीं मतलब पी जाओ। आई विल नेवर से कि रटो चीजों को, अगर आप रट के जाते हो भूल जाते हो, ठीक है? वो डायलॉग ऐसा निकल जाता है। मेरे कहने का मतलब रटना है समझ के पढ़ के जाना, और तुम वहां पे अपने कहानी में भी, अपनी वर्ड्स में भी लिख सकते हो, बट करेक्ट होना चाहिए। समझ में आया? तो मैम इनको आप कैसे सॉल्व करोगे? अगर तीन आपको आते हैं तो चौथा तो वैसे ही हो जाएगा, बट ये ट्राई करना कि क्या बोलते हैं इसको, क्वेश्चन आपने एक भी नहीं छोड़ने। मैम आपको हमेशा नीट के एग्जाम के लिए बोलते हैं स्किप करो क्वेश्चन अगर नहीं आता, बोलते हैं ना? सब्जेक्टिव एग्जाम, स्कूल के एग्जाम में आपने जितने क्वेश्चन आए सब के सब करके आओगे, कोई भी एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेगा, ठीक है? मैम और मैम दूसरी बात, मैंने एक और तुम्हें क्या बोला था, एक तो तुम अपनी एनसीईआरटी लेके आना, पेंसिल लेके आना, और क्या बोला था मैंने? नहीं, हाँ, मैंने कॉपी तुम्हें बताया कि मैं स्कूल की एग्जाम और क्या टाइम मैनेजमेंट बताने वाली हूँ, है ना? दो चीजें यस बताई मैंने, बता मैम रही हूँ। टाइम मैनेजमेंट के लिए कृपया करके प्यारा सा वॉच लेके जाइए, अगर आपके पास नहीं है तो मम्मी का ले जाइए, मम्मी का नहीं है तो दादी का ले जाइए, नानी का ले जाइए, किसी का भी वॉच लेकर जरूर जाइए, ठीक है? मैम क्योंकि जो पेपर के आपके लास्ट 2 आवर्स 45 मिनट्स आपके हाथ में स्पीड में लिखा, बाकी के जो 15 मिनट रह जाएंगे वो 15 मिनट होगा जहां पर आप क्या करोगे, जो क्वेश्चन क्या होता है कभी कभार टाइम लगता है क्वेश्चन को करने में, ये आपका सब सबके लिए है, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री, उसमें क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। इसमें चलो क्वेश्चन सॉल्व वाला सिस्टम नहीं है, बट लिखना बहुत होता है इसमें, है ना? मैम वही बात है बच्चे, कभी कभार क्या होता है कि फटाफट में हम चीजें क्या है भूल जाते हैं, लिखते लिखते लाइन मिस हो जाती है हमारी, होती है नहीं होती? मैम तो वही बात है, तो ट्राई करो कि ये जो 2 2 2 आवर्स 45 मिनट्स है, ये वैसे 45 भी नहीं बोलूंगी मैं, 2 आवर्स 30 मिनट बोलूंगी, कि आपने अपने आपको ऐसे लिखना है स्पीड में। कौन कौन है स्लो राइटर्स, स्लो स्लो लिखते हैं जो, फटाफट से हैंड रेज करो, दीक्षा और सैलवी, अब बाकी सारे स्पीड राइटर्स हो तुम। क्या मैम बात है, प्राची, शैलजा, शालू, दीक्षा, अनुपमा, रितिका। फिर बेटा आप लोग पेपर कैसे सॉल्व करोगे? ज्योत्सना, मैम स्कूल नहीं हूँ, लेकिन मैम दोस्त बड़ा गहरे रहते हैं, हाँ जी, क्या बोला आपने? दीक्षा, तो मैम दोस्त बड़ा तंग करते हैं जी, चीटिंग करा। तुम पता क्या करना, चीटिंग तो मोस्टली बीच के टाइम में होती है जब टीचर इधर उधर हो जाता है ना, मैम तो दोस्त को मना भी नहीं कर सकते, नाराज मैम हो जाएगा तुमसे, और तूने मुझे बताया नहीं, मैं भी नहीं तुझे बताऊंगी आगे से, है ना? मैम तो उसके लिए क्या करना, जैसे क्वेश्चन पेपर मिलेगा तुम्हें, इंस्ट्रक्शन सब मैंने पहले से बता दिए है ना, मैम तो तुम क्या करोगे, तुमने फटाफट से जनरल इंस्ट्रक्शन 1 मिनट में पढ़ के फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू कर देने हैं, क्योंकि तुम्हें सबसे ज्यादा टाइम एमसीक्यू में नहीं लगेगा, तुम्हें लगेगा 5 मार्क्स वाले में, 3 मार्क्स वाले में ज्यादा टाइम लगेगा, और हम क्या करते हैं लास्ट में करते हैं, और उसी टाइम क्या होता है हमारे दोस्त हमें तंग करते हैं,
मैम। और एक और चीज मैं बता दूं, हमेशा पेपर सीक्वेंस में ही करना, ठीक है? यानी कि मैम सीक्वेंस कैसे, आ जाओ वो भी सिखा दूं मैं पहले। कहाँ है? फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट सेक्शन ए। अच्छा, पेपर मिलने से पहले तुम्हें क्वेश्चन पेपर पढ़ने का टाइम देते हैं, वो पता है तुमको? तुम्हें अपना शातिर दिमाग चलाना है, पेंसिल उठाओ और फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, ठीक है? तो पहले से ही तुम्हारे को पहले शीट मिलती है ना फिल करने के लिए, रोल नंबर वगैरह, है ना? उसके कुछ टाइम 5-10 मिनट बाद तुम्हारे को क्वेश्चन पेपर मिलता है, ऐसे ही होता है? फिर क्वेश्चन पेपर के लिए तुम्हें 5 मिनट तो देते ही है पढ़ने को, पेपर मिलेगा, फटाफट से रोल नंबर अपना क्लास सब कुछ फिल कर दो, नेक्स्ट शीट पे लाइनें मार दो। टीचर बोलता भी है मेरे ख्याल से कि तब स्टार्ट करना जब वो होता है। ये प्रॉब्लम है, ये रहने दो। बट तुम ये कर सकते हो, जैसे क्वेश्चन पेपर मिलेगा वो तभी बोलते हैं लिखने वाला पार्ट, नहीं क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो तुम एक काम कर सकते हो। वैसे तो वो ये भी बोलते हैं कि क्वेश्चन पेपर पे कोई कुछ लिखेगा नहीं एक्सेप्ट योर रोल नंबर, है ना? बट तुम ट्राई करना, तुम अपना प्यारा सा दिमाग चलाओ और फटाफट से क्वेश्चन पढ़ लो। पढ़ रहे हो ना तो साथ साथ में सॉल्व भी कर लो। फर्स्ट 12 क्वेश्चन, 1 to 12 क्वेश्चन करने तुमने सॉल्व। क्यों? वहां पर जब तुम्हारे तुम्हारे 12 मिनट सेव हो जाएंगे, कहाँ पे? वो 3 घंटे वाला 12 मिनट सेव हो जाएंगे तुम्हारे, ठीक है? अब ऑब्वियसली बात है यार, 12 क्वेश्चन पूछे, हो सकता है तुम्हारे को सिर्फ तुमसे 9 क्वेश्चन सोल्व हुए, वो 3 क्वेश्चन रह गए, वो 3 क्वेश्चन यहाँ काम आ जाएंगे ना, कम से कम आप अपने शांत दिमाग से सोचोगे। समझ में आ रहा है? और ना तुम्हें लग रहा है कि यार बड़ा टाइम लग रहा है इसको सॉल्व करने में, मेरे को नहीं आता ये, छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? टाइम है अपने पास और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, लेकिन पेपर पूरा करने के बाद रिवीजन का टाइम होना चाहिए। अगर आपने रिवाइज नहीं किया, आपको चेक करना है फटाफट से, अच्छा मैंने सारे क्वेश्चन किए हैं या नहीं किए, हर एक क्वेश्चन करके ही आना है, ओके? मिस कोई नहीं करेगा। मैम मेरा मिस हो गया, मैं बहुत स्लो लिख रही थी, मैम मैं क्या करूं अब, मैं मेरे तो बड़े कम मार्क्स आएंगे, मेरे तो दोस्त के ज्यादा आ जाएंगे, मेरे को रोना है। नहीं, वहां पे कोई नहीं आएगा, तुम्हारी लड़ाई तुम्हारी है, वहां कोई नहीं आएगा लड़ने के लिए तुमसे, पेपर और एग्जाम और तुम्हारा दिमाग लड़ रहा होगा उस टाइम। समझ में आया? वॉच लेकर जाना, किसी का अभी तुम्हारे पास नहीं है तो पड़ोसियों का ले जाना, चाहे वो मैम आज आंटी आज के लिए दे दो मुझे, ठीक है? मतलब जितने पेपर होंगे उसके लिए, ठीक है? चलो अब वॉच क्यों यार, आप क्या करोगे ना, आस पड़ोस से पूछते रहोगे, आपका टाइम वेस्ट होगा फालतू में 3-4 मिनट में, टाइम क्योंकि दिमाग में ये चल रहा है टाइम टाइम टाइम, तो जब आप क्वेश्चन सोच रहे होंगे तो देख लेना बीच बीच में टाइम कितना, बस बच जाएगा आपका टाइम, ओके? ठीक है, और वाला क्वेश्चन समझ आया? और का मतलब कोई एक, इस क्वेश्चन में कोई एक, 17th क्वेश्चन आ जाओ अगेन, और कोई एक, ठीक है? अंडरस्टूड? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, डिफरेंशिएट, ओके फाइन, सबको समझ में आ गया यहाँ तक? बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियर, डिफरेंस वाला मैंने तुम्हें बता दिया कैसे लिखना है, टेबल बना के आना डिफरेंशिएट, याद रखना, मिक्स नहीं करना उनको, नेम द स्टेज ऑफ द सेल कर, या ये वाले देखो क्वेश्चन कैसे लिखने हैं, 19th क्वेश्चन देखो, ABCD 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उन्होंने पूछा है कि सेंट्रोमियर स्प्लिट्स द क्रोमैटिड, कृपया करके सेल साइकिल वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ के जाओ। कुछ नहीं है, अगर तुमने पूरा लिखा हुआ चीज नहीं पढ़ा, मैम ने आपको टेबल्स सॉरी मैम ने आपको साइकिल में, हर एक साइकिल में आपको वो बना के दिया था, राइट? यस और नो? एना पेज स्टिल ऑफ पेज, हमने उसको एक बार देख जाना, मनन कर लेना उनको, तुम्हें सब सारे के सारे समझ आ जाएंगे। पर मिक्स नहीं करना उसको, क्या बोलते हैं अपना, माइटोसिस और मियोसिस को मिक्स नहीं करना, ध्यान से देखना, ओके? चलो, figured in 2 chambers A and B containing solutions of semi-permeable membrane. Okay. 2 chambers. ये देखो, ये 2 chambers को पढ़ना है, A option A option B. ये 2 chambers हैं अलग-अलग. तो इसको पढ़कर आपको क्या करना है? आपको बताना है कि solution of which chamber has lower potential. तो chamber A है, ठीक है? इसका answer लिखोगे. In which direction will osmosis occur? Option B. देख रहे हो कितना easy है? Easy है ना? समझ आ गया मतलब पार्ट? यहाँ पे कहानियां नहीं लिखनी, यहाँ पे सिर्फ इतना लिखना है कि कौन से चैम्बर में ऑस्मोसिस हो रही है, कौन से चैम्बर में लोअर वाटर पोटेंशियल है। समझ में आ गया कैसे करना है? ओके, नेक्स्ट देखो, व्हाट इज इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
ले हेमोग्लोबिन, इसका फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, सच में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें अगेन और आ गया यार, और यानी कोई एक करोगे। देखो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम, ओनली डायग्राम, बस कुछ नहीं लिखना तुमने। हार्ट इज दिस, आई हैव अ लवली हार्ट, नो कोई ऐसे नहीं लिखना तुमने यहाँ पे, ठीक है। तुमने सिर्फ प्यारा सा वो चार चैम्बर्ड वाला आपका प्यारा सा दिल बनाना है, ऐसे नोड होना चाहिए, वैन क्या वह होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। समझ में आ गया? यो मैम। इनको दिल बहुत अच्छा लगता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिल से दिल का कनेक्शन है। मॉडल एग्जाम में तक, मॉडल पेपर में भी हार्ट का दिया हुआ है, तो चांसेस है यार हार्ट आ सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं है वो नहीं आएगा। नेक्स्ट आ जाओ यार सेक्शन थ्री में। ओके वी हैव ओनली फ्यू मिनट, जल्दी करते हैं सेक्शन थ्री में। हाँ, लिस्ट फाइव इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्टिव फीचर्स ऑफ फाइलम, फाइव इंपॉर्टेंट लिख लो फटाफट से। पहले आप लिखोगे कैसे ये देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 23 लिखना कैसे है, क्वेश्चन 23 आंसर 23 लिख के टाइम नहीं वेस्ट करना। यू विल राइट क्वेश्चन 23 आंसर ANS, बस शुरू कर जाओ। कैसे? फीचर्स, पहले टॉपिक लिखोगे ऐसे, फीचर्स ऑफ फाइलम प्लैटीहेलमिंथेस, 1 2 3 4 5 लिख दिए तुमने, बढ़िया बढ़िया, अच्छे छोटे छोटे दो दो एक एक पांच पांच वर्ड के नहीं लिखने तुमने, अच्छे अच्छे पॉइंट लिखने। समझ में आ गया? लिखोगे एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स ऐसे, और फिर वन एग्जाम्पल टू एग्जाम्पल, बस चक दे फटेल, अब दे गिल्ली, 3 marks इज योर्स। ओके समझ आ गया? चलो नेक्स्ट सेम ऐसे लिखना है फिफ्थ, और सेक्शन ए समझ आ गया सबको, पहले ये बताओ कोई डाउट है किसी को? सेक्शन बी समझ में आ गया सबको, कैसे लिखना है? यो यो मैम। अब सेक्शन सी का फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया? इसी तरीके से लिखना है 24। चलो 25 में आ जाओ, एक्सप्लेन मियोसिस। ऑब्वियसली मैंने तुम्हें बताया, देखो किसने बोला सूटेबल लेबल डायग्राम बनाना है, यस और नो? बायो इज ऑल अबाउट डायग्राम। मैंने आपको तुम्हें एक स्टोरी सुनाई थी ना अपने फोर्थ क्लास की, वो याद रख लेना, तुम्हें कुछ नहीं आता, बट बेटा एक मिनट रुक जाओ। हेलो गाइस, किसी के पास सारे नोट्स है तो प्लीज यार मुझे मैम ने वो यूट्यूब में वो भी तो बनाए हुए हैं। हाँ यूट्यूब में सब मैम, पीडीएफ सब कुछ है। हाँ आप मैसेज, मेरे को मैसेज करो, मैं आपको भेज दूंगी। बच्चों के पास पीडीएफ ग्रुप में ही होगा ना, तो ग्रुप में से आप निकालते हो अगर आप ग्रुप में हो, नहीं तो आप मेरे को मैसेज करना कि आपको कौन कौन सब्जेक्ट के चाहिए, वो मैं दे दूंगी। से ओपन किया है ना व्हाट्सएप, तो फिर मेरे सारे पीडीएफ फाइल इधर से उधर हो गए। कोई बात नहीं, मेरे को मैसेज कर देना, ठीक है? ओके तो आपने मियोसिस लिखना फटाफट से, व्हाट इज मियोसिस, फिर आप एक्सप्लेन करोगे मियोसिस क्या, कौन, किसके बारे में। बेटा डायग्राम पूछ रहा है तो ऑब्वियसली यार मियोसिस के सारे स्टेप्स एक एक करके सब कुछ बता दोगे, बस बात खत्म। समझ में ये वाला क्वेश्चन कैसे लिखोगे? म्यूट कर लो। मियोसिस का डेफिनेशन लिखोगे, व्हाट इज मियोसिस, वन, एंड देन यू विल राइट फर्स्ट सेकेंड उसका नाम, प्यारा सा नाम लिखोगे, उसकी डेफिनेशन लिखोगे, उसका डायग्राम बनाओगे मस्त सा, ठीक है, कहाँ पे क्रोमोसोम जा रहे हैं, क्या करें, क्रोमोसोम बन कैसे रहे हैं, पूरा सब कुछ। सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, चार ही पॉइंट्स है ना या ज्यादा है बताओ? चार स्टेप्स है ना मियोसिस के, यार क्या हो गया तुम भूल गए? ठीक है अब आ जाओ जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक, कुछ नहीं है यहाँ पे, ब्लैंक दिया उसको फिल करना है, कितने दिया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, सो इट इज लाइक हाफ मार्क्स for each, understood? Yeah, ma'am. चलो next आ जाओ, section D में पहुंच गए। Define the following: active size, coenzyme, बताया हुआ मैंने ये, active side भी बताई हुई है, synapses, peptide bond, दो ही दिन पहले बताया है मैंने, ठीक है? तो बच्चे ये याद रखना, लिखना कैसे? आ जाओ section D में, help कर देती हूँ। Question number 27, answer ऐसे लिखेंगे आप। और इतना time नहीं हमारे पास कि हम, अच्छा नहीं नहीं नहीं, आप में से कौन ऐसा है पूरा क्वेश्चन लिख के आता है? शुक्र है कोई नहीं लिखता, कोई नहीं लिखेगा, क्वेश्चन नहीं लिखेगा, क्वेश्चन को उनको चाहिए नहीं, उनके पास पहले से क्वेश्चन पेपर होगा, ठीक है? आपने लिखना है सिर्फ क्वेश्चन 27 ऐसे लिख के आना है, मैं भूल गई एकदम से, ठीक है? समझ में आया? Yeah,
27 लिखो या आंसर 27 लिख लो, जो तुम्हारा मन करे. वैसे तो इंसान को, मतलब इंसान नहीं, वैसे तो हम क्वेश्चन ही लिखते हैं, ठीक है? तो तुम आंसर भी लिख लो, जो तुम्हारा मन करे वो लिख सकते हो. आंसर 27. तो आ जाओ लिखोगे कैसे. ऑप्शन ए एक्टिव साइट. डायग्राम है तो ऑब्वियसली डायग्राम बनाओगे. दो से तीन लाइन का आप क्या लिखोगे, डेफिनेशन, ठीक है? अगर आपको लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड एक्टिव साइट के बारे में, तो आप वो लिख सकते हो, ऐड कर सकते हो उसको, और फिर उसका डायग्राम है तो आप डायग्राम बना सकते हो. अगेन कोएंजाइम, ऑप्शन बी कोएंजाइम, सी सेम ऐसे जैसे ऑप्शन ए में लिखा, फिर आप सिनेप्सिस लिखेंगे, फिर आप पेप्टाइड बॉन्ड लिखेंगे. ओके ओके मैम. और कोएंजाइम सेल साइकिल या भूल गए? यस मैम. ठीक है, नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैल्विन साइकिल. ठीक है, मुझसे काफी बच्चों ने ग्लाइकोलिसिस और कैल्विन साइकिल पूछा है. अगर आपको कोई डाउट है प्लीज पूछना, ठीक है? मतलब पर्सनली काफी बच्चों ने मुझे पूछा है. आई थॉट कि हो जाएगा बट नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पूरा क्वेश्चन पेपर तुम्हें समझाना था कि आई वॉन्ट कि तुम्हारे अच्छे मार्क्स आए यार, इसीलिए. ठीक है, ओके. कैल्विन साइकिल, साइकिल की बातें हो रही है, ऑब्वियसली यार आप साइकिल बना के आओगे, पॉइंट एन मत लिख के आ जाना, ठीक है? पॉइंटों में नहीं मिलेगा तुम्हें मार्क्स. साइकिल पूछ रहा है तो पूरा साइकिल, ऐसे वाला पूरा साइकिल बना के आना है. इसके ऊपर से स्टार्टिंग हो रही है उसकी, ग्लूकोज टूट के कैसे बन रहा है, कैल्विन साइकिल कैसे स्टार्ट हुई है, एवरीथिंग. ट्राई टू राइट 1-2 लाइन अबाउट कैल्विन साइकिल, की शुरू किसने किया, हुआ किसने, किया किसने, ठीक है? तो उसके बारे में आप बोल सकते हैं, बता सकते हैं. नेक्स्ट और है तो ग्लाइकोलिसिस के बारे में लिख दो. ये देखो स्कीमेटिक स्केच, दैट डजंट मीन कि कुछ अलग खानी पूछ ली उसने, स्केच बनाना है मुझे ग्लाइकोलिसिस का, नो साइकिल बनानी है आपने, कुछ नहीं करना, ठीक है? इसमें एक और बात, व्हाट हैपेंस व्हेन अ रॉटन फ्रूट गेट्स मिक्स्ड विद अनराइप फ्रूट. ये एक मार्क का क्वेश्चन है. सेम अगेन क्या करोगे, पहले आप ग्लाइकोलिसिस के बारे में लिखोगे. क्वेश्चन नंबर 28 ए स्टार्ट कर दिया, साइकिल बना लिया आपने अपनी, उसके बाद एक लाइन के साथ कंक्लूड कर दो उसको कि अबव ड्रॉन इज अ ग्लाइकोलिसिस साइकिल. ठीक है, अंडरस्टूड टिल हियर और नॉट? अबव ड्रॉन इज द हार्ट साइकिल, इज द कार्डियक साइकिल. अबव ड्रॉन is the diagram of heart. हाँ, Kelvin cycle. Above drawn is the Kelvin cycle. कुछ भी, ठीक है? Next, list 4 important function of liver. Liver तो मैं याद है, liver करवा दिया मैम ने. IRB, BC. यार तुम देख रहे हो ना, सारे important questions करवा दिए मैंने. Yeah, ma'am. Extra filtration भी मैंने करवा दिया तुमको. ये नहीं करवाया, obviously ये रह गया. Brain is the very, not brain is the very important chapter. अपना कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, पढ़ के जाना, बहुत क्वेश्चंस आएंगे उसमें से, याद रखना. लकीली मैंने आपको सारे वो चैप्टर्स करवाए इस साल, मतलब हमारे इस 11th क्लास के में, कि जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट पीछे वाला भी ऐसा नहीं है, बट ज्यादा क्वेश्चन आपके सेकेंड सेम से आएंगे बच्चे, इसीलिए, क्योंकि अभी आया थोड़ी है पीछे, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से आने वाले, ठीक है? अब मेरे को फटाफट से बताओ, पहले धीरे धीरे करके बात करते हैं, क्योंकि मैंने तुम्हें क्या कहा था कि 10 मिनट लास्ट के हम मैम आपकी हेल्प करेंगे, आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं एग्जाम देते टाइम, या फिर क्या लगता है. हाँ जी मैम, जैसे एग्जाम के दिन सुबह हमें 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस लर्न करने चाहिए कि वो लॉन्ग आंसर्स, क्योंकि मैम इकट्ठे मतलब पूरा सिलेबस इकट्ठे तो हम सुबह लर्न नहीं कर सकते, तो फिर मैम लर्न ही नहीं करना होता. देखो 1 मार्क कुछ भी आ सकता है, तभी मैम ने आपको क्या बोला, हर एक जो अगर आपके जो स्कूल में जिनके एनसीईआरटी यूज होते हैं, वहाँ पे ऐसे छोटे छोटे गोले, रंग बिरंगे गोले होते हैं, सबसे ज्यादा एनसीईआरटी वहां से पूछते हैं, उसको इतने डब्बे प्यारे लगते हैं ना, जितना उनको हमारे घर की मम्मियों को डब्बे ना प्यारे लगते हैं. एनसीईआरटी को बहुत, वो जो अपना सीबीएसई बोर्ड है, उनको बहुत प्यारे लगते हैं ये छोटे छोटे डब्बे. क्यों क्यों लगते हैं मैं बताती हूँ, क्योंकि पढ़ते ही नहीं है बच्चे, भूल जाते हैं, उनको लगता है आमी है, लेकिन बोर्ड वाले क्या करते हैं, इसी से ही सवाल पूछते हैं, ठीक है? अब आप, मैं आपको बताऊं तो आपने, अब मेरे को बताओ एग्जाम कब है बायो का? 3rd मार्च को बायो है, इंग्लिश का है. हां अच्छा, 16 मार्च ना, सुनो मेरी बात. अच्छा ठीक है, मैम कुछ पूछने लगे थे. हाँ, कितना गैप है? 16 से पहले तुम्हारा कौन सा, कब है पेपर? 9. ओह माय गॉड, तुम्हें बायो के लिए तो बड़े सारे दिन है यार. क्या बात, तो 3 मार दोगे फिर, क्लियर कर दोगे तुम तो बायो, है ना?
कर दूं मैं फटाफट से, 9 डेज आपके पास, ऑब्वियसली बात है यार, जिस दिन तुम्हारा पेपर होके हटेगा, 9 को कौन सा पेपर है? केमिस्ट्री मैम, कंप्यूटर, कंप्यूटर कौन है, सबके अलग अलग है, चीट। चलो ठीक है, जिसका 9 डेज हो गया, 8 डेज हो गया, 6 डेज, इतने डेज का तो फर्क रहेगा ना सबका, हाँ 3-4 दिन का भी रहेगा तभी देख लो, 3-4 डेज का भी रहेगा तभी भी डिवाइड कर लो चैप्टर्स को। सबसे पहले पता है कि एंड के डेज में आपने पढ़ने एंड वाले चैप्टर्स, स्टार्टिंग के डेज में आप ना वो सेक्शन में डिवाइडर है ना, जैसे लिविंग वर्ल्ड और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एक में है, फिर ऐसे पढ़ लो। अगर आपके 8 डेज है तब तो आप बढ़िया से पढ़ सकते हो, पर यूनिट फटाफट से पढ़ना है, ये नहीं कि एक एक मैम ये तो नया टॉपिक है मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा, जो पढ़ लिया उसको पढ़ लो पहले ताकि आपका मूड बना रहे 1-2 दिन, फिर जो बाकी के 2 दिन बीच में वो टॉपिक्स पढ़ो जो आपने पढ़े ही नहीं है, ठीक है, पढ़ के उसको, और उस टाइम लिख लिख के जल्दी जल्दी पढ़ना। लास्ट में एक चीज बोलूंगी, जिस दिन आपका पेपर है यानी 16th को पेपर है आपका, तो आप क्या करोगे, जितने भी साइकल्स हैं, जितने भी डायग्राम्स हैं, और क्या होते हैं, साइकिल हो गया, डायग्राम हो गया, और ग्राफ्स, ठीक है, ये आपने लास्ट के जो 2 दिन है, इसमें एक रफ कॉपी आती है अपने मार्केट में, वहां जाओ और उसको 2-3 बार प्रैक्टिस करो, मजा आ रहा है, तुम्हारे मार्क्स कमाएंगे, बस सुंदर बनाने हैं तुमने। क्यों बोल रहे हैं मैम, प्रैक्टिस करने को क्यों बोल रहे हैं, पहली बार डायग्राम अच्छे बनेंगे, दूसरी बार तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि तुम्हारा डायग्राम कैसे बन रहा है, तीसरी बार तुम्हें याद हो जाएगा, ठीक है, और वहां जब जाओगे तुम पेपर देने के लिए ऐसे हो जाएगा, टाइम ही नहीं लगेगा, तुम्हारा टाइम बच जाएगा, समझ में आ गया सबको? मैं तुम्हें लास्ट के 2 दिन में, अब पूरा दिन यही थोड़ी करोगे, पढ़ोगे भी तो जिन टॉपिक्स का आप बना रहे हो, साइकल्स, केल्विन साइकल या ग्लाइकोलाइसिस या फोटोफॉस्फोराइजेशन, कुछ भी डायग्राम्स, हार्ट हो गया, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो गया, ईयर हो गया, आई हो गया, कुछ भी हो गया, अगेन उसके बारे में पढ़ोगे भी, साथ ही साथ उन टॉपिक्स को पढ़ोगे भी, डायग्राम बनाया पढ़ लिया, डायग्राम बनाया अगला डायग्राम उठाओगे फिर पढ़ोगे, अगला डायग्राम उठाओगे फिर, ग्राफ्स का है जैसे मैंने आपको अपना ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे होता है, अब नीचे होने पे रेस्पिरेशन पढ़ा था ना हमने ब्रीदिंग में, ठीक है, वो आपने उस टॉपिक को उठा लेना, उस टाइम क्या होगा, खाचा माचा सा हो जाएगा, बट जिस दिन आपका 1 दिन पहले एग्जाम होगा ना, उस टाइम आपके फटाफट वो 5 मार्क्स वाले, 3 मार्क्स वाले क्या होगा, रिवाइज हो जाएगा, समझ में आ रही है, लग रहा है आइडिया? उस टाइम आप सोच रहे हो मैम 1 मार्क्स वाला पढ़ लेती हूँ मैं, 2 मार्क्स वाला पढ़ लेती हूँ, आप मुझे बताओ 1 की वैल्यू ज्यादा है अभी पेपर में या 5 की वैल्यू ज्यादा है? 5 की तगड़ी प्रैक्टिस करनी चाहिए, है ना, 1 के लिए आपको अब उसके बीच में मैंने जो दिन बताए हैं उसमें आप पढ़ो, अब टाइम तो ये है नहीं मैम 1 मार्क वाला कौन सा आएगा, बेटा कुछ भी आ सकता है, एनसीईआरटी पूरी सीबीएसई के पास है, कहीं से कुछ भी पूछ लेगा, है ना, समझ में आया तुम्हें या नहीं आ रहा? अब मुझे बताओ ये सारे सेक्शन समझ में आए तुम्हें, कैसे करने हैं सारे क्वेश्चन? नहीं समझ में आया बच्चों, रिकॉर्डिंग दोबारा देख लेना एक बार, पेपर जाने से पहले मत देखना, कभी भी देख लेना जब तुम्हें टाइम मिलेगा, ठीक है, बट आई नो कि तुम्हें समझ आ गया होगा, है ना, आपको दे रहे हैं कुछ टाइम, 6 डेज 6 डेज मैम, आप आज क्लास 8 बजे तक लोगे क्या? 8 बजे तक क्लास लूंगी मैं आज, आप क्लास 8 बजे तक लो हमारी, अच्छा मेरी दूसरी क्लास की है दीक्षा मैम, मैम बायो का प्रैक्टिकल है तो मैम प्लीज, बायो का प्रैक्टिकल है तो मैं 8 बजे तक क्लास लूं? यस मैम। मैं कैसे लूं? क्लास नहीं ले पाऊंगी, मेरी एक और क्लास है अभी। अनुराधा मैम आपको तो अधीक्षक, अगर आपको डाउट्स है बच्चा पूछ लो मुझसे, क्या बोलते हैं, मेरे को कॉल कर लेना अभी क्लास के बाद, कॉल कर लो, डाउट्स है आपको? दीक्षा म्यूट पे हो आप, डाउट्स नहीं है? मैम डाउट्स तो है लेकिन मैम है भी नहीं भी है मैम, मतलब ऐसा फीलिंग आ रहा है कि अच्छा लग रहा है मैम से बात करके। यस मैम लेकिन बट यार पेपर तो पढ़ना पड़ेगा ना मैम, चाहे जितनी प्यारी प्यारी बातें करे, मोटिवेट करे, पर पढ़ना तो एंड पे आपको ही पड़ेगा। सुनो दीक्षा, अगर कोई डाउट है तो आप बच्चे मेरे को कॉल कर लो, ठीक है, या फिर मैम वीडियो कॉल कर लेंगे आपको, या फिर जूम पे कर लेते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है किसी टॉपिक में। मैम ये वाला सैंपल पेपर भेज देना, बिल्कुल बच्चे मैम भेजेंगे आपको,
अब मैं आपको टाइम दे रही हूँ फटाफट से, 2-3 मिनट मैम, आज 3 मिनट एक्स्ट्रा, चलो 5 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ा देती हूँ, बता देती हूँ. आपको लग रहा है कि मैम ये डाउट्स आ रहे हैं हमें, ऐसा ऐसा होता है पेपर के टाइम में, तुम्हें क्या मतलब लगता है कि हेल्प आउट हो जाए, जल्दी से लिखो, चलो जल्दी बताओ. काफी चीजें जो मैम ने ऑलरेडी बता दी है क्लियर हो गई है, तो आप खुद मतलब लग रहा है कि मैम एग्जाम के टाइम ऐसा होता है, क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए कैसे पढ़ना चाहिए, तो काफी कुछ बता दिया. वत्सल और भी कुछ? कुछ भी नहीं है मैम, मेरे को ना एग्जाम देते देते गुस्सा आ जाता है कई बार. क्यों गुस्सा क्यों आता है मैम? मैम क्योंकि फ्रेंड्स पूछते हैं ना, एक आगे एक पीछे, फिर बीच में फंस जाती हूँ मैं. हाँ वही बात है, तो वही मैंने बोला कि हाँ फ्रेंड्स बहुत तंग करते हैं. बिल्कुल बात सही है मैम, मैं एग्जाम्स के टाइम पढ़ती नहीं हूँ मैम, मैं मन ही नहीं करता पढ़ने को. ओए अनुराधा ऐसे नहीं बोलना, पढ़ना तो पड़ेगा, पेपर कौन पास करेगा तुम्हारा, पड़ोसी आएंगे क्या तुम्हारे? मैम जैसे ना हम एक घंटा पढ़ लेते हैं तो उसके बाद मन ही नहीं करता पढ़ने बैठने का. तो पता क्या करो अब? अच्छा हाँ ठीक है ठीक है, ये बहुत अच्छा पॉइंट बोला कृति, रुको मैं इस पे आ रही हूँ, एक बार दोबारा याद कराना. मैम मैं एग्जाम के बाद पढ़ती नहीं हूँ, मन नहीं करता, ठीक है वो कृति के साथ जुड़ गया. फ्रेंड्स तंग करते, तो मैंने फ्रेंड्स का तंग करने का तुम्हें फटाफट से बोला, वो 12 मिनट जो थे तुम्हारे वो बच गए. और हाँ मैंने तुम्हें ये भी बोला कि हर एक क्वेश्चन, क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे ही लिखना है, ऐसा नहीं, और स्पेस छोड़ देना अगर वो क्वेश्चन नहीं आता तो, लेकिन ऐसे नहीं लिखना 1, 2, 3, 8, 9 फिर 5, 6 फिर खत्म, ऐसे नो एक भी क्वेश्चन नहीं. उस क्वेश्चन के लिए स्पेस छोड़ के अगले क्वेश्चन में चले जाओ. क्यों पता है? टीचर को आता है गुस्सा, क्यों आता है? बच्चे ने ऊपर नीचे लिखा होता है तो टीचर पलट रहा होता है पेजेस क्वेश्चन पेपर के, फिर इनको आता है गुस्सा, वो काट देते हैं मार्क्स. ठीक है मैम, इसलिए बता रही क्योंकि एक्सपीरियंस है, इसीलिए. समझ में आ गया सबको? तुमने स्कूल में एलकेजी में सीखा ना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ऐसे ही क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं. नहीं आता स्पेस छोड़ दो, बाद में कर लेना, कोई चक्कर नहीं. ठीक है ओके. इसको तंग करने वाली बात देखो, फ्रेंड्स तो तंग करेंगे, वो फ्रेंड्स हैं. ठीक है तो फ्रेंड्स का क्या है कि आप उन्हें बोलना यार रुक जा तुमको पेपर कर लेने दे, फिर मैं तेरे को बताती हूँ या बताता हूँ जो भी है. ठीक है क्या बोलते हैं? तो करके चली जाएगी है ना, तो करके चली जाएगी, मेरे से बात मत करना अब, मैं तेरे को पेपर नहीं दिखाऊंगी, ये वो पता नहीं क्या क्या. तो उसको बोलना 2 मिनट रुक जा मैं लिख रही हूँ, लिख के बताते हो. पर फिर तुम भूल जाओगे तो फिर वो नाराज हो जाएगी ना, बात ये है. क्या कर सकते हैं, इसका कोई इलाज नहीं है, दोस्त तो दोस्त होता है ना. ओके हाँ जी, मेरी वाली बात बता लो मैम. आप क्या कर रही हो? मैं फायदा में हूँ, मेरे आगे पीछे आर्ट्स वाले बच्चे. अरे वाह क्या बात है तानिया, क्या बात है. ओके ठीक है, आकृति क्या पूछा था, क्या था तुम्हारा वाला? हम जैसे स्टडी करते हैं ना, एक एक घंटा पढ़ने बैठते हैं तो बाद मन नहीं करता बैठने. ओके 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 फाइन फाइन यस ओके. बच्चों एक बात बता दूं मैं, एक ह्यूमन ब्रेन तुम्हारे स्कूल में एक एक पीरियड कितने मिनट का होता है? 1 आवर का होता है. अच्छा जनरली स्कूल्स में 40-45 मिनट्स का होता है. ठीक है जनरली स्कूल्स में, जनरली हो सकता है 1 आवर्स का हो बिल्कुल. ठीक है तो बच्चे 40-45 मिनट्स ही आपका ब्रेन अटेन करता है, यानी कि आप अगर आप खुद देखना 30 मिनट्स के बाद ना आपको वो टॉपिक लगता है बोरिंग, लगता है या नहीं लगता? तो आपने कभी कभी मैम आपको पढ़ाती है, मैम आपको पहले स्टार्टिंग के 10 मिनट जो है पहले मैम 5 मिनट बात करती है आपसे, है ना, गुड इवनिंग वेट कर लेती हैं, चलो 5 मिनट में मैम आपसे बातें मारती हैं, फिर उसके बाद कुछ ही टाइम पढ़ाती हैं, हाँ या ना? क्यों पढ़ाते हैं ऐसा बच्चे? क्योंकि जो इंसान है, सबका बता रही हूँ, जो इंसान है चाहे मैम भी क्यों ना हो चाहे हमसे बड़े भी क्यों ना हो, सिर्फ 30-40 मिनट्स का ही अटेंशन पावर रहता है, फोकस पॉइंट रहता है. तो आपने क्या करना, हर एक टॉपिक फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक टॉपिक उठा लिया आपने, तो सोचो जैसे आपने चैप्टर 4 उठा लिया, पहली बात तो ये बहुत बोरिंग चैप्टर है या नहीं? एनिमल किंगडम तो बड़ा अच्छा लगता है, मुझे तो नहीं बिल्कुल पसंद आया, मैं तो सच बता रही हूँ. ठीक है पर पढ़ाना तो पड़ेगा ना मुझे, ऑप्शन नहीं है मेरे पास कुछ. ठीक है तो चैप्टर 4 जो है यार एनिमल किंगडम में बहुत बोरिंग है, पढ़ने बैठोगे पढ़ते ही नींद आने लग जाती है. एक तो पहली बात वो नाम नहीं याद होते, होता है या नहीं होता? कितने मुश्किल है. तो इसके लिए आप क्या करोगे, लिख के पढ़ने वाले हो, लिख कर पढ़ो. मैम टाइम नहीं है लिख कर पढ़ने का, लेकिन बेटा अगर आप स्टार्ट करोगे तो कुछ तो पढ़ोगे, 10 में से अगर आपने 5 पढ़ लिए वही बहुत है ना,
क्या पता इस उसे दो क्वेश्चन आ जाए आपके तो भागना, राइट? सो दैट इज द थिंग, फाइन। तो अब आपने करना क्या यार, ये को आपने 30 मिनट्स पढ़ लिया, उसके बाद चैप्टर चेंज कर लो क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। चैप्टर चेंज कर लो, एनिमल किंगडम पढ़ लिया 30 मिनट्स, दूसरा उठा लो फटाफट पीछे आ जाओ, जिसको अपना क्या बोलते हैं डाइजेशन चैप्टर ले लिया, ब्रीदिंग ले लिया, ब्रेन ले लिया, जो आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगता है 30 मिनट्स वो पढ़ लो, ठीक है? फिर ब्रेक ले लो 10-15 मिनट का मस्त। वैसे आप हिमाचल में रहते हो इतनी प्यारी सी जगह में, बाहर जाओ हवा खाओ फिर आ जाओ, ठीक है? उस टाइम फ्रूट्स खा लो बीच में, या ऐसा बारी बरकम खाना खा के सो मत जाना, ठीक है? समझ में आई? 10-15 मिनट का लेके, और 10-15 मिनट मतलब 10-15 मिनट, 16वां मिनट नहीं होना चाहिए, 16th मिनट में आप अपने वही सीट में बैठोगे जहां से उठ के गए हो। भाई मैम ने बोला था, नहीं मैम ने ये भी बोला है वापस आके पढ़ना है, ठीक है? 15 मिनट का वो ब्रेक लेना है, बाहर जाना है, बातें नहीं करनी किसी से, मतलब बहुत कम करिए बातें, करो करो मगर इतना भी नहीं, बातें मतलब इतनी बातें ना करो जिससे आपका ब्रेन डाउन हो जाए, क्योंकि ना 2 घंटे बाद आपको आप डाउन हो जाओगे, काफी कुछ नहीं पढ़ पाते, बच्चा वेट करता है। तो 30-30 मिनट्स में चैप्टर चेंज कर करके पढ़ो, समझ में आया? अच्छा लगा ये आइडिया? तो पहले आपने पढ़ना बोरिंग चैप्टर, फिर आपने पढ़ना इंटरेस्टिंग चैप्टर, फिर आपने पढ़ना बोरिंग चैप्टर, फिर आपने पढ़ना इंटरेस्टिंग चैप्टर, समझ में आ गया सबको? आइडिया अच्छा लगा ये? ठीक है चलो, क्यों? क्योंकि हमारे पास अपना ये जो 8 दिन है ना आपका, 8 दिन, इस 8 दिन में पढ़ना ही हमने बायो हुआ, इसीलिए सेम आपका केमिस्ट्री के लिए भी, सेम आपका फिजिक्स के लिए भी, ठीक है? जब आपकी फिजिक्स की छुट्टियां होंगी, क्या फिजिक्स कईयों को बोरिंग लगती है, कईयों को केमिस्ट्री बोरिंग लगती है, कईयों को बायो बोरिंग लगती है, तो जिसको सब, अब यार बोरिंग तो बोरिंग इसलिए होती है ना क्योंकि हमारे को एंटरटेनमेंट नहीं मिल रही, खुशी नहीं मिल रही, पढ़ना किसको पसंद है? किसी को पसंद नहीं है, बस पढ़ रहे हैं, यही होता है ना? सच चाहिए, मैम भी सच बोल रहे हैं, मैम झूठ नहीं बोल रहे हैं, टेंशन ना लो तुम, मैम भी चिल्ली है तुम्हारी तरफ, ठीक है? ओके, अंडरस्टूड क्लियर? थैंक यू मैम। हेलो, थैंक यू मैम की बच्ची, रुक जाओ अभी, कौन था ये थैंक यू वाला? मैम आकृति। हाँ आकृति, रुक जाओ, ठीक है? हाँ जी, और बताओ कोई? बस खत्म। नींद बहुत आती है? नींद बहुत आती है, बिल्कुल सो जाओ, आधा घंटे का अलार्म लगा के घर वालों को बोल दो कि मेरे को आधे घंटे के लिए सोना है प्लीज, उसके बाद आके पानी ही चाय मार के कंबल उठा के फेंक दो, कुछ भी करो लेकिन आधे घंटे से ज्यादा नहीं सोना। रात की बात नहीं कर रही हूँ मैं, सुबह की बात कर रही हूँ। रात को नहीं पढ़ना, कोशिश करो रात को मत पढ़ो, मतलब मैं रिकमेंड नहीं करूंगी रात को पढ़ने के लिए, बट अगर आपके घर में शोर शराबा रहता है रात को ही पढ़ाई हो पाती है, क्योंकि काफी बच्चे होंगे जो जॉइंट फैमिली में रहते होंगे, तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं मुझे पता है, बड़े बड़े लोग होते हैं, कई उनके घर में वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं ऑब्वियसली, जैसे मेरे घर पे भी इतना शोर चल रहा है, पीछे सुन रहा है क्या तुमको? नो मैम। नहीं सुन रहा? ओके, हाँ तो होता है कि नहीं नींद हो पाती, और नींद पूरी करनी जरूरी है, खाना अच्छा खाना बहुत जरूरी है बच्चे, वरना आप नहीं पढ़ पाओगे, बीमार हो जाओगे, पहली बात तो टेंशन से ही बीमार हो जाओगे आप, समझ में आ गया सबको? ठीक है चलो, ओके देन, ऑल द बेस्ट, डू वेल, मैम अवेलेबल है, ठीक है? कभी भी कॉल कर लेना, कभी भी मैसेज कर लेना, बाय चांस अगर मैम मैसेज ना देखे प्लीज कॉल मी, तंग करो, रात को भी तंग कर लो 12-1 बजे चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम रात को पढ़ने वाले बच्चे उल्लू उल्लू की तरह मेरी तरह पढ़ते हो, तो मैं भी वैसे रात को पढ़ती हूँ, ठीक है? तो आप मेरे को तंग कर सकते हो, ओके? हाँ जी दीक्षा बोलो। मी टू, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके फाइन, हाँ हाँ आई नो यार, रात को अच्छे से पढ़ाई होती है क्योंकि शांति होती है ना, इसीलिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, सी यू इन, ठीक है? 12th को अगर मैं आपकी, हाँ 12th में अगर आपकी टीचर रही तो मैं आपको फिर से पढ़ाऊंगी, ओके? अदरवाइज पता नहीं, अभी पता नहीं यार, पता नहीं, बट एवरीबडी हैज माई नंबर, तो आप मुझे याद कर, ओके? बाय एवरीवन, मिस यू टू गाइस, टेक केयर, बाय मैम, चलो ओके, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, गुड नाइट मैम, गुड नाइट, मिस यू बच्चे, मिस यू, टेक केयर एवरीवन।